एवरीवन, मेरा आज का वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मेरा वीडियो देखते हैं। मैंने आगे टैपिंग का वीडियो रखा था। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि ये टैपिंग है क्या, इसका यूज़ क्या है, इसे यूज़ कैसे करते हैं। तो मेरा आज का वीडियो उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर है, तो चलो देखते हैं टैपिंग के बारे में। आपने शायद पहले कभी काइनेशियो टैपिंग शब्द नहीं सुना होगा। हालांकि आपने कभी कभी सड़क पर किसी को अपने शरीर के एक या ज़्यादा हिस्सों में कुछ रंगीन पट्टियाँ लगाए देखा होगा। ये शिप क्या है, ये किस काम में इस्तेमाल होते हैं, ये कैसे काम कर सकते हैं, क्या कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है, इन एडहेसिव और हाइपो एलर्जेनिक कॉटन स्ट्रिप का इस्तेमाल गर्दन दर्द, घुटने का दर्द, कंधे का दर्द, कमर दर्द और दूसरी बहुत सारी शारीरिक बीमारियों के लिए होता है। ये आई के शेप में वाई, एक्स, आई स्ट्रिप विथ हॉल, एक्स स्ट्रिप विथ हॉल, फैन शेप में लगाई जाती है। इसके अलग अलग टेक्निक होती है, जैसे कि मसल टैपिंग टेक्निक, लिगामेंट टैपिंग टेक्निक, फेशिया करेक्शन टैपिंग टेक्निक, लिम्फेटिक करेक्टिव टैपिंग टेक्निक। ये स्ट्रेचेबल होती है, इसे 140% तक खींच सकते हैं। एक बार एक्सपर्ट द्वारा इनकी सही जगह पर रख देने के बाद वे 3 से 4 दिन तक त्वचा पर रख सकते हैं। काइनेशियो टैपिंग का रंग प्लेसमेंट साइट, ट्रैक्शन की किस्म और चोट व दूसरे फैक्टर के अनुरूप अलग अलग होगा। एग्जाम्पल, वे मांसपेशियों को आराम देने के लिए नीली और काली पट्टियों का उपयोग करते हैं, जबकि गुलाबी और पीले रंग की स्ट्रिप उत्तेजक होती है। एक बार टैपिंग लग जाने पर मूवमेंट से पैदा होने वाली गर्मी एक तरफ की मालिश का काम करती है, जो समस्या को कम करती है। जाहिर है, ये स्ट्रिप लचीलेपन या मूवमेंट में कोई रुकावट नहीं डालते हैं। ये जख्म के भरने में तेजी लाते हैं। ये टैप खुद ना लगाए, किसी एक्सपर्ट के पास ही लगाए, नहीं तो ये दर्दनाक हो सकती है। ज़रूरी बातें, त्वचा साफ सुथरी, सूखी, बाल रहित और बिना किसी क्रीम या तेल की होनी चाहिए। बेहतर ग्रिप के लिए टैप के छोर हमेशा गोल रहने चाहिए। टैप लगाने के बाद इसे धीमे से रगड़ना चाहिए। इसे लगाकर आप नहा सकते हो, हालांकि टैप किए गए अंग को छूने या धोने से बचें। जलन हो तो टैप को तुरंत हटा देना चाहिए। ध्यान रखें कि कभी कभी कुछ झुनझुनी या खुजली का अनुभव होता है, यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ने के कारण होता है। टैप के फायदे क्या हैं? यह लिम्फेटिक ड्रेनेज को बढ़ावा देता है, ब्लड सर्कुलेशन को सक्रिय करता है, पोस्चर बेहतर बनाने में मदद करता है, कमज़ोर मांसपेशियों का अलाइनमेंट ठीक करता है, जोड़ों और मांसपेशियों को अतिरिक्त सहायता देता है, मांसपेशियों की थकान दूर करता है, सूजन को कम करता है और दर्द में राहत देता है, आइबुप्रोफेन जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं के सेवन को कम करता है। अब देखते हैं कि इन्हें कौन से उपचार में यूज़ किया जाता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्चर, पीठ दर्द, स्नायु दर्द, स्पॉट इंजरी, मांसपेशियों की थकान, CTS जिसमें मैंने वीडियो बनाया था, मांसपेशियों में ऐंठन आना, ब्लड सर्कुलेशन और ड्रेनेज की समस्या। और इनकी दो टेक्निक है, फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन। फैसिलिटेशन में मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने की टेक्निक होती है और इनहिबिशन में मांसपेशियों टाइट हो तो उन्हें ढीला करने की टेक्निक होती है। होप आप सबको टैपिंग के बारे में थोड़ा तो नॉलेज हो गया होगा। बस आज का मेरा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको और कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आधे लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ देख के चले जाते। उन लोगों को कहना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।